फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल आर इलुस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। हम क्या करते हैं, एक लैब में एक ह्यूमन का सेल लेकर के उसको कल्चर करा के देखते हैं कितना टाइम लगता है उसको डिवाइड होने में। तो टिपिकल सेल से, ठीक है, तो एग्जांपल में ह्यूमन, आप जानते हैं कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फेजेस ऑफ सेल साइकिल डिफरेंट। जैसे हमने इसकी बात की कि एक यूकैरियोटिक सेल्स लिया, हमने इलस्ट्रेट किया और देखा तो कितना टाइम लगा। तो डिपेंड ऑन सेल टू सेल है जो ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन का और यीस्ट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ यीस्ट कितना दिया है, इसका दिया हुआ 24 आवर्स। 24 आवर्स लगते हैं। इसका कितना है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, 24 आवर्स। ओके, फेजेस ऑफ साइकिल्स कितना है इसका, फेजेस ऑफ साइकिल 24 आवर्स, और इसका फेजेस ऑफ साइकिल कितना है, 90 मिनट। क्या, 90 मिनट्स, यानी वन राइट वन अप बाई टू आवर्स, 1/1.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे। इसका कितना, 24 आवर्स, इसका 1.5 घंटा। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे पता लगा 24, ये कल्चर किया गया था, ह्यूमन सेल कल्चर किया गया था तब पता चला, ठीक है, टिपिकल एग्जाम्पल है। ओके, सेल साइकिल वेरी करता है, देखो दो ही एग्जाम्पल लिया, दोनों में वेरी कर रहा है। तो सेल साइकिल, इससे पता चलता है सेल साइकिल वेरी वेरी सेल टू सेल्स। तो सेल टू सेल वेरी करता है, रीजन सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अपना अपना कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। तो ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, या यूकैरियोटिक है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा नहीं है। ईस्ट के अंदर न्यूक्लियस है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए जल्दी डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये बहुत लेट हो रहा है ह्यूमन सेल्स का। तो इस तरह से करके दिया गया। ओके, अब हम बात करेंगे टू फेजेस का। हम यहाँ पर टू फेजेस की बात कर रहे हैं, फेजेस ऑफ सेल। फर्स्ट फेज कौन सा फेज है, इंटरफेज। हम हेडिंग डालेंगे फर्स्ट फेज इंटरफेज, ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। इनको मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज भी कहते हैं, तो अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। तो ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं इनको। अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव, ये आपको बात याद रखनी है, अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव्ड कि, अब देखो इसका नाम है अलग अलग फेजेस का, फेजेस ऑफ सेल साइकिल इंटरफेज का नाम है कि रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल है। ये क्या करते हैं, रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल होता है। इसको इंटरफेज को क्या माना जाता था पहले, रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। अगर साइड बिलीव, ये आपको याद रखना है, मानते हैं।
प्रिपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल, कुछ लोग ये मानते थे प्रिपरेटरी सेल्स ऑफ प्रिपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल है, क्या है? प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल। अब बाद में पता चलने लग गया कि मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल साइकिल है, क्या ये एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल है? किसने कहा? सिर्फ एक्टिव सेल ऑफ फेज साइकिल, एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल किसी ने कहा, फेज ऑफ सेल साइकिल। लेकिन बाद में क्लियरली कट पता चल गया, स्टार लगाया, मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली फेज ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट एक्टा, मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल। तो हमने कितने नाम देख लिए इसके? हमने नाम देखे इसके, नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं, कोई इनको रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल भी कहता है, कोई इनको प्रिपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल भी कहते थे पहले, एक्टिव बाद में, लेकिन क्लियरली क्या, मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल होते हैं ये। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल साइकिल, सेल डिवीजन कहाँ होते हैं? इंटरवल होते हैं, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का क्या मतलब है? आप थोड़ा हम डायग्राम देखेंगे, समझेंगे कि ये वाली सेंटेंस याद रखना, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में, ये तो आपको क्लियर होगा। मैं यहां से बताता हूं कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स लिया गया, ह्यूमन का एग्जांपल लिया गया, उसको कल्चर किया गया, उसको डिवाइडिंग की प्रॉपर्टी, तो पूरा फेज, एक ह्यूमन का फेजेज ऑफ जो सेल साइकिल है वो 24 आवर्स लगते हैं उसको टोटल फेजेस चलाने में, सेल साइकिल सेल डिवीजन का। ओके, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फेजेस ऑफ सेल साइकिल डिफरेंट, ऑर्गेनिज्म पे डिफरेंट करता है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, उन सब पे वेरी करता है, डिपेंड करता है। ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन में 24 आवर्स दिया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट में 90 मिनट्स दिया हुआ है, 90 मिनट्स और या डेढ़ घंटे, सेल साइकिल वेरी करता है, सेल टू सेल करता है। ओके, देख रहे थे कि हमने बात किया कि जो इंटरफेज होते हैं सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज अगर लॉन्गेस्ट आ जाए, लॉन्गेस्ट फेज 95% कौन कवर करता है? इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है, 95% कवर्ड। ओके, और इंटरफेज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फेजेस। फर्स्ट क्या बात करते हैं, जीवन का, जीवन फेज। ओके, सेकेंड एस फेज एंड थर्ड जी टू फेज। इंटरफेज डिवाइडेड इनटू थ्री फेज सब फेजेस बाय होवर्ड एंड वेले। ठीक है, ये तीनों पार्ट को डिवाइड किया गया। अब हम देखेंगे कि इसका डायग्राम, अभी हमने जितना पढ़ा कि ये जो सेल साइकिल है, तो हम एक साइकिल बनाएंगे, आपको देखना है ये साइकिल है, एक सेल है, पूरा का पूरा उसका सेल साइकिल क्या करेंगे, ये पूरा एक सेल है। ओके, ये जो सेल है इसमें आप देखेंगे, एक और इसमें हम बना देते ताकि आसान रहेगा, समझना आसान रहेगा। ओके, यस, एक पूरा का पूरा सेल का साइकिल है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, व्यू ऑफ सेल साइकिल है, तो आप देखेंगे, तो ये पूरा कंप्लीट एक सेल अगर हम मान लेते हैं, एक हम सेल मान लेते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स अगर करें हम, ठीक है, ऐसे, तो ये पूरे का पूरा कितना इंटरफेज है, यानी यहां से लेकर के ये आपका इंटरफेज है, ठीक है, इंटरफेज है, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेज है, और ये क्या है, एम फेज है, यहां से यहां तक अगर देखा जाए, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, ये कौन है, एम फेज है, ठीक है, ये एम फेज है, यहां से पूरा का पूरा आप कर सकते हो, ऐसे डार्क इसको कर सकते हैं,
ये पूरा का पूरा एम फेज है, ओके ये एम फेज का पार्ट है, क्लियर। एम फेज के अंदर कितने पार्ट्स हैं हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटरफेज पढ़ रहे हैं। तो हमने इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है तो कितना परसेंटेज कवर कर रहा है इंटरफेज, ये पूरा का पूरा 95% कवर कर रहा है, 95% एरिया कवर कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। अब हमने कहा है कि इसको हॉरवर्ड एंड पेले ने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। ये वाला कौन सा फेज रखा, इसको कहा जीवन फेज, इसे कौन सा फेज बोला, एस फेज, क्या एस फेज, और इसे कहा G2 फेज, और ये जो है एम फेज है सेल साइकिल के। तो ये सेल साइकिल सब बना रहे हैं तो हमको ध्यान देना है अभी कि ये जो है इसमें एम फेज है, और एम फेज में डिवाइडेड था, आपने पढ़ा था एम फेज कितने पार्ट में डिवाइडेड, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो आपको याद रखना है ये वाला पूरा एरिया, यहां से आते मैक्सिमम एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये देख रहे हो आप, ये बस साइटोकाइनेसिस है। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इसको मिटा सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें साइटोकाइनेसिस, साइटो, या आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साइटो, CYTOKINI, काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और ये वाला कौन सा एरिया है, पूरा का पूरा प्रोफेज है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोफेज, थोड़ा चौड़ा चौड़ा बनाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो क्या होना, ये प्रो फेज, मेटा फेज, ओके, एना फेज, टीलो फेज। तो ये वाला फेज में आप देखेंगे ये कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस, क्या है, कैरियोकाइनेसिस, और ये कौन है, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस चार पार्ट में डिवाइडेड था, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक, और ये साइटोकाइनेसिस है। तो ये वाला जो एरिया है, यहां से तक एरिया है, ये जो पूरा यहां से यहां तक, ये सिर्फ 5% है, और ये पूरा एरिया मैक्सिमम एरिया जो है ये वाला, जो ये कौन सा एरिया है, ये है हमारा इंटरफेस, क्या है ये, इंटरफेस, ये सबसे ज्यादा एरिया है कवर करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो इंटरफेस है वो डिवाइडेड इनटू सब थ्री फेजेस, सब थ्री स्टेजेस, ठीक है, फर्स्ट जीवन फेज, सेकेंड एस फेज, थर्ड G2 फेज, एंड एम फेज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, फर्दर कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू फोर फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एंड साइटोकाइनेसिस डू नॉट डिवाइड एनी स्टेजेस बट ऑन द डिपेंड ऑफ द सेल्स, डिपेंडिंग ऑन द सेल्स टू टाइप, इन प्लांट सेल में डिफरेंट टाइप के साइटोकाइनेसिस होता है, इन एनिमल सेल में डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्योंकि दोनों में बनावट का सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की कॉन्सेप्ट आएंगे, किसी में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, किसी में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कंस्ट्रक्शन होगा, तो हम उसको समझेंगे। अभी आपका मकसद है कि इसको समझना, इस डायग्राम को, अगर कोई भी सेल यहाँ इस वाले फेज में आकर के आते आते यहाँ पे सेल दो डिवाइड हो जाते, दो सेल हो जाते हैं, यानी अगर एक सेल यहाँ से चला इस वाले फेज में डबल हो जाता है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से कोई भी एक सिंगल सेल जब गया प्रोफेज में, गया मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, साइटोकाइनेसिस, और दो हो गए, अब ये क्या करेंगे, लगातार यहाँ से सेल इसके मेच्योर होते चले जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे, दिख रहा है आपको, बड़े हो रहे हैं, और बड़े होते जाएंगे, ऐसे बड़े होते जाएंगे, और बड़े होते जाएंगे, ठीक है, एक समय आएगा ये इतने बड़े हो जाएंगे इनको डिवाइड करना ही पड़ेगा। हम एक सेल को लेके देखें ना तो ज्यादा सही रहेगा, एक सेल को लेके देखें तो ये लगातार बड़े हो जाएंगे, और फर्दर से ये क्या होते हैं, सपोज करो ये बड़ा था और ये इसमें गया और फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी छोटे से बड़े होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, तो थोड़ा सा इसमें और छोटा बना देते हैं इसको, ये एक छोटा है ना, अब एक सिंगल को लेके कर रहे हैं, इसमें से एक किसी सिंगल को, ये भी डिवाइड करेगा, हम एक ही को परफॉर्म कर रहे हैं, ये बड़ा होता गया, होता गया, होता गया, और फिर से डिवाइड हुआ, तो इन फेजेस में सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, देखो एक सिंगल सेल चला ना, एक सिंगल सेल ही जा रहा है,
क्या हुआ, लेकिन जीवन में आकर के इसके कंटेंट, ये साइज बड़ा हो रहा है क्योंकि इसके कंटेंट डबल हो रहे हैं। इसमें अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, इन फेजेस में अलग अलग कंडीशन हो रहे हैं। यानी जीवन फेज में सेल के अंदर जो अमीनो एसिड हैं, जो न्यूक्लियोटाइड हैं, जो आरएनए हैं, जो ठीक है डीएनए, इनको बनने के लिए ठीक है उनका अमाउंट चीजें, उनको आगे जाकर के कुछ करना है, उनके लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल तैयार कर रही है। यानी जो एस फेज में इस्तेमाल होना है वो जीवन में बनता है, जो चीज एस में यूज बनने वाला है उसको सारा कच्चा माल या रॉ मटेरियल तैयार यहाँ होता है। ये कच्चा रॉ मटेरियल तैयार करेगा और इसको फॉर्म कर जाएगा, फिर यहाँ रॉ मटेरियल तैयार होगा, पूरा यहाँ यूज हो जाएगा। तो यहाँ रॉ मटेरियल तैयार होता है, यहाँ यूज होता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल तैयार होगा, यहाँ यूज होगा। तो आपको ये बात समझनी है, एक सिंगल सेल हम डबल इसका नहीं ले रहे हैं, बस एक को ले रहे हैं। और देखो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, एक समय आता है तो ये बड़ा होने का फटना होता है, इसको फटने से पहले ये डिवाइड कर लेता है। तो इसको दो रेशियो होते हैं, कर्न प्लाज्म थियोरी, एक वॉल्यूम रेशियो, सरफेस वॉल्यूम रेशियो, इन दोनों वजहों से क्या होता है सेल डिवाइड करता है। तो ये आपका सेल साइकिल का डायग्राम है, अच्छे से बनाना। नहीं समझ में, एक बार और बता देता हूँ कि जो इंटरफेज है वो 95% है, जो एम फेज है वो 5% है, जो इंटरफेज होता है वो नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, जो एम फेज होता है वो डिवाइडिंग फेज हो जाता है, जो इंटरफेज है वो तीन सब पार्ट में डिवाइडेड है, G1, S और G2 में। इसको हॉर्वर्ड एंड पेले ने डिवाइड किया था। और हम बात करेंगे एम फेज की, एम फेज जो होता है वो डिविजन फेज है, उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर, कैरियोकाइनेसिस के चार फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, एंड साइटोकाइनेसिस के अंदर कोई फेजेस नहीं है, बट वो दो डिफरेंट टाइप के होते हैं एनिमल और प्लांट में। तो ये क्लियर हुआ, अब हम आगे देखेंगे एक एक करके व्हाट इज जीवन फेज, जीवन फेज में कौन सी घटना घटती है, हम उसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।